दिस इज़ माई लास्ट नाइट एंड मतलब लास्ट तो नहीं कह सकते रेवाड़ी में, लेकिन बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग उस रात आई थी जब मुझे देहरादून जाना था नेक्स्ट डे रेवाड़ी छोड़ के और अब हैदराबाद जाना है। सो माई मदर सेड दिस टू मी दिस वेरी मॉर्निंग दैट वेन यू वेंट फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज यू टर्न टू अ बॉय फ्रॉम अ किड एंड नाउ वेन यू आर गोइंग फॉर योर जॉब यू आर गोइंग टू बिकम अ मैन फ्रॉम अ बॉय सो यू शुड रैदर बी हैप्पी। एक तरफ दिमाग में वो इलाही वाली लाइन चल रही है कि कल पे सवाल है जीना फिलहाल है, द टैग लाइन दैट आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू फॉलो इन माई लाइफ, बट एक छोटा सा दिल के किसी कोने में डर भी है कि क्या होगा, बट आई गेस दिस इज़ लाइफ दैट यू डोंट नो वट हैपन्स द नेक्स्ट मोमेंट इन दिस दिस इज माई होम एंड आई एम गोना मिस इट। इसमें मेरा नाम नहीं है बट हाँ मैं इस जायदाद का हकदार हूँ। तो बस फिर अगले दिन सुबह उठे, चाय पी, सामान उठाया और निकल गए। देन इन अप्रॉक्सीमेटली 2 hours वी वर एट न्यू डेली रेलवे स्टेशन और इतनी भूख लग रही थी कि जाते ही खाना खाया सबसे पहले। खाने की अनबॉक्सिंग। तो अब मुझे ये ही नहीं पता था कि मैं कब वापस आऊँगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खा के जाना चाहता था, तो इसलिए वी पैक द होल लंच एंड डिनर विद अस। खाना खाने के बाद चाय पीना एक अलग ही बुरी आदत है। सुबह वे बट द टी वॉज गुड। एंड देन इन एन आर आवर ट्रेन केम एंड वी बोर्डेड। ऐसी भी कोई फीलिंग नहीं थी कि जैसे पता नहीं मेरी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा पीछे छोड़ रहा हो, लेकिन पिछले साल के फ्लैशबैक्स आ रहे थे। पर ट्रेन में चढ़ते ही हमने थोड़ी मस्ती स्टार्ट की और द जर्नी बिगिंस। मैं खुश नसीब हाँ आज ना मैं मिल गया मैं। भैया जब आपको बताओ कि जर्नी 25 घंटे की है तो तैयारी तो करके जाना पड़ेगा ना। सो वी प्लेड कार्ड्स फॉर अ व्हाइल। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद अ पंजाबी फैमिली दिस इज व्हाट यू गेट टू ईट। ट्रेन में मोस्टली साउथ इंडियंस ही थे, सो दे वर सो शॉक कि हम कितनी तैयारी के साथ जा रहे हैं। पर भैया तुम नॉर्थ इंडियंस के खाने के चस्के को नहीं जानते अभी। मैंने वही किया जो हर कोई ट्रेन में करता है, खिड़की के बाहर देख के टाइम पास। ऑब्वियसली पहाड़ आए, नदियाँ आई, ट्रेनें गुजर गई, लेकिन हैदराबाद अभी भी बहुत दूर था। देखते ही देखते शाम हो गई, शाम से रात हो गई और अपर बर्थ ऑब्वियसली घर का सबसे छोटा मेंबर सबसे ऊपर सोएगा, बट ऊपर मज़े भी बहुत आते हैं। मैं आधी रात लेट तक देखता रहता हूँ कि पूरी ट्रेन में कौन क्या कर रहा है। तो बस फिर हम सो गए। फिर अगले दिन की सुबह हुई, हमने सबसे पहले हाथ और अपनी सीट्स वगैरह सैनिटाइज किया, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया और तो गाइस ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और ये पार्टी हो रही है। हाँ मतलब
ये करना भी ज़रूरी था ना भाई, ट्रेंड चल रहा है, सब कर रहे हैं, तो हमने भी पावर ही कर ली और थोड़ी देर इस तितली को भी देख लिया। मतलब जवान लड़का ट्रेन की गेट पे जाके खड़ा नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। बट द जर्नी वॉज वेरी लॉन्ग। और 25 घंटे की इस जर्नी के बाद फाइनली वी रीच्ड हैदराबाद। हैदराबाद पहुंच के वी वर इन अ हरी बिकॉज बूंदाबांदी शुरू हो गई थी एंड वी जस्ट वांटेड टू रीच अवर होटल, बट दिस इज हाउ हैदराबाद वेलकम्ड अस। दिस वाज अ डैम ब्रेथटेकिंग मोमेंट। तो भैया बस इस कार्ड में यही लिखा था कि थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फील हो रही थी, ऑब्वियसली कैब ड्राइवर भी साउथ का ही था एंड तेलुगु ही समझते थे वो ज़्यादा और इंग्लिश भी थोड़ी कच्ची वक्की आती थी, बट वी समहाउ रीच्ड आवर होटल विच वॉज ऑलरेडी बुक्ड एंड नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल रूम टूर। दूर कर लेते हैं, ये है हमारा छोटा सा रूम। थर्ड गेस्ट के लिए आई गेस, वो यहाँ पे मैट्रेस, हाँ मतलब थर्ड गेस्ट ऑब्वियसली मी, आई वुड स्लीप नीचे, मेरे काफी नीचे है। नॉर्थ इंडियन है, बारिश है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चाय ना हो। तो हमने सबसे पहले चाय ऑर्डर की, चाय वाली पावरी की, और सारी कहानी इसी ब्लॉग में देख लोगे क्या? हमें पारी करने दो, आगे की कहानी अगले ब्लॉग में।